गाइस और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे बहुत जोर से लगी हुई है और मैं कैसे रोक रहा हूँ वो मुझे नहीं पता है गाइस। हेलो गाइस, अभी हम लोग जो है बस में बैठ चुके हैं और यहाँ से अभी स्टेडियम के लिए जा रहे हैं। स्टेडियम पे पहुँच के अभी फिर हम लोगों के लिए जो ओलंपियाड की बस है फिर हम लोग वहाँ से वो चेंज करेंगे, फिर वहाँ से फिर हम लोग महाबलीपुरम जाएंगे। तो अभी जो स्टेशन से हम लोग जो है स्टेडियम के लिए जा रहे हैं। तो अभी हम लोग स्टेडियम में पहुंच चुके हैं और जरा अपने बैग खरीद के जा रहे हैं। बहुत भारी है यार और बहुत देर से चलना पड़ रहा है। तो बस अभी थोड़ी देर में जो है बस अभी जल्दी आएगी, फिर उसके बाद में हम लोगों को और आई थिंक कि 50 किलोमीटर है वहाँ से, और हम लोगों को महाबलीपुरम जाना है। तो और भी ट्रैवलिंग बचा हुआ है थोड़ा सा। और कैसे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे बहुत ज़ोर से लगी हुई है और मैं कैसे रोक रहा हूँ वो मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पर तो अभी जो सर वगैरह हैं वो सब आए हुए हैं तो पिकअप वगैरह के लिए हैं, तो वो सबको बोल ही रहे हैं। हेलो 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 सर, तो ना सर इज या तो सर इज अरेंजिंग एवरीथिंग, सो देर इज अ टीम, सो द टीम इज कंडक्टिंग अदर थिंग, तो मे बी दे आर चेकिंग, वो चेक कर रहे हैं आई थिंक कि भाई कौन से बस में जाना है। हेलो हेलो, सो तो ओके गाइस, अभी हम लोग वैसे भी बस में आ चुके हैं तो सभी लोग बैठ चुके हैं। तो अभी जो है अपने यहाँ से हम लोग महाबलीपुरम के लिए निकलने वाले हैं। और इम्पोर्टेंटली जो आपने जो वीडियो देखा था जो चेस का जो एंथम था उसका जो ब्रिज दिखाया गया था वो भी अभी हम लोगों को रात में लगेगा, तो मैं भी आप लोगों को वो ब्रिज भी दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो अभी बहुत जल्दी हम लोग वो सब देखने वाले हैं, जो भी इम्पोर्टेंट जर्नी है वो मैं सारी कवर करने की कोशिश कर लूँगा। सो हैव वी गो द चेस ओलंपियाड, वी आर कमिंग। जल्दी जो ब्रिज है वो आने आ रहा है, तो मैं अभी आप जो आप लोगों को जो ब्रिज है वो अभी दिखा रहा हूँ कि कैसे। अभी जो हमारे ये दोस्त है अभी यहाँ से हम लोग सब लोग अलविदा हो रहे हैं, एक दूसरे को बाय बाय कहने का वक्त आ गया बिकॉज अभी होटल सबके चेंज है। तो अभी कब मिलोगे आप लोग आखिरी जाते हुए? नहीं जब चेन्नई में नहीं जब, अब हम लोग उधर ही मिलेंगे डायरेक्ट उधर ट्रेनिंग पे। तो चलो गाइस बाय 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 बाय। तो दिस इज़ अवर होटल गाइस, तो अभी यही होटल है जहाँ पर मैं रुकने वाला हूँ पिछले 20 दिनों के लिए जब तक ओलंपियाड चल रहा है। तो यहाँ से हम लोगों का रोज़ ट्रैवलिंग रहेगा। तो चलो अभी होटल यहाँ से बाहर से तो बहुत अच्छा दिख रहा है, अब देखते हैं रूम्स वगैरह कैसे हैं। इसके बाद में उन्होंने बोला कि शायद बीच भी है बाजू में, तो रूम के बाहर शायद बीच भी हम लोगों को देखने के लिए मिले। तो व्यू देखते हैं अभी रूम का कैसे हैं। चलिए
वैसे अभी हम लोग देख रहे हैं तो ये जो मेन है रिसेप्शन एरिया है, तो रिसेप्शन भी तो बहुत सही लग रहा है यहाँ पर। बाकी अभी का जो है रूम वगैरह देखते हैं, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं रूम्स के लिए। जैसे अभी हम लोगों को कीज़ अलॉट हो जाएंगे तो फिर हम लोग अभी अपने रूम में जाएंगे, तो रूम में देखते हैं कि कैसे अभी जो हम लोग का रूम है वो कैसे है। गाइस अभी जो है रूम की हम लोगों को पता चल गया है, रूम तो हम लोगों को अलॉट हो गया है, बस अभी जल्दी हम लोगों को की मिलेगी फिर हम लोग अभी जाएंगे रूम पर। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ अभी, इसी तरह से हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और मैं कल सुबह 6 बजे से निकला हूँ और अभी जगह जस्ट कंटिन्यू हम लोग ट्रैवलिंग ही कर रहे थे। तो ओके गाइस अभी जो है हम लोगों को रूम जो है वो अलॉट हो चुके हैं, और अभी जो डिम्पल है डिम्पल भी वेट कर रही है अपने रूम का, तो वो भी हमारे टीम में ही है और हम लोग सब साथ में आए हैं। तो से हाय डिम्पल। हेलो हेलो अदिति। अपने वो वीडियो में बहुत ज़्यादा बिजी है, पता नहीं क्या ही कर रही है। तो गाइस आई थिंक अभी हम लोगों को बस कीस मिल रही हैं और अभी जस्ट अभी हम लोग रूम में जाने वाले हैं। तो गाइस ये जो है हम लोगों का रूम है यहाँ पर अभी हम लोग स्टे करने वाले हैं ड्यूरिंग पूरे ओलंपियाड के लिए। तो चलिए मैं आपको अपना जो रूम है उसका व्यू दिखा रहा हूँ, कहते हैं हम लोगों का रूम। तो ओके रूम नंबर 54 और ये भैया है हमारे साथ में। ओके तो रूम तो गाइस बहुत सही दिख रहा है यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा है। चलिए रूम भी बहुत अच्छा है, क्लीन है, बढ़िया, बहुत सही है यहाँ पर। तो रूम तो बहुत ही अच्छा अलॉट किया है। अभी हम लोगों को अभी जस्ट थोड़ा फ्रेश वगैरह होते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं, बाद में फिर देखते हैं अभी आगे के क्या प्लान हैं और आज क्या होने वाला है। तो मिलते हैं गाइस। बिलीव मी और नॉट, मतलब जो व्यू है होटल का वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। तो अभी जो है मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, मतलब बहुत ही सही है। मतलब हम अभी जस्ट आप देखोगे व्यू कितना सही होटल दिया है हम लोगों को, तो मतलब गोल्डन, मतलब अगर आप आए रहने के लिए तो भी बहुत अच्छा ये होटल है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को यहाँ पर अपना एक स्विमिंग पूल भी दिया हुआ है, जहाँ पर हम लोग मतलब स्विम भी कर सकते हैं, बट स्विमिंग की ज़रूरत नहीं है। और उधर आप देख सकते हैं कि पूरा जो है बीच है, राइट। तो व्यू जो रहेगा एकदम कमाल रहेगा, राइट। चलिए मैं अभी आपको बीच भी दिखाता हूँ और थोड़ा सा और व्यू दिखाता हूँ यहाँ के, मतलब बहुत सही लग रहा है स्पेशली। तो अभी जो मेन व्यू है आपको वो दिखाता हूँ कि कैसे हम लोगों का जो होटल है वहाँ से है। तो ओके गाइस अभी देखो कि हम लोग जो है यहाँ पर बीच पे हैं, की मज़ा चालू है। तो अभी अगर हम लोग देखें तो पीछे भी बहुत सुंदर है, लहरें आ रही है, तो ये जो है व्यू बहुत ही सुंदर रहा था। मैं जो इधर आया हूँ तो मुझे काजा की बहुत ही खुशी हो रही है, मतलब लिटरली मैं ये चाहता भी था कि भाई जैसे कभी किस दिन बीच पे आऊँ और वहाँ रुकूँ कुछ दिन के लिए, बट ये तो अनएक्सपेक्टेड हो गया कि ऑलमोस्ट मैं 1 मंथ के लिए यहाँ रुकने वाला हूँ। तो रोज़ ही ये सब मुझे व्यू और ये सब मिलने आ रहे हैं। ट्राई करेंगे और भी मैं अच्छे जो व्यूज हैं कवर करने की ब्लॉग में, तो मैं आपको और एक नए ब्लॉग में मिलता हूँ। ओके गाइस।